हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी। वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल लिया है, ये सोयाबीन और आलू, आलू क्यूब्स में कटे हुए हैं। इसमें दो हरी मिर्च है, एक कटा हुआ प्याज, एक टमाटर, 4 चम्मच दही और फ़ौरन में मैंने यहाँ लिया है बड़ी इलायची, 2 लौंग, एक छोटी इलायची, एक लाल मिर्च, जीरा, तेज़पत्ता और ये बिरयानी मसाला। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ कुकर में बिरयानी बना रही हूँ। 2 चम्मच घी डाल दें। मसालों को डाल दें, फोरन को। ये प्याज डाल दें। प्याज को सुनहला होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है, अब हम इसमें कटी हुई सब्जियों को डाल दें। आप यहाँ अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, गाजर, मटर, गोभी, पर मैं यहाँ सोयाबीन से ही बना रही हूँ। दो से चार मिनट सब्जियों को हम अच्छे से भूनेंगे। ये टमाटर भी डाल दें इसमें। ये नमक 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, एक चम्मच बिरयानी मसाला डालकर अच्छे से मिला लें। ये दही भी डाल लें यहाँ। दही को भी डालकर यहाँ अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी हमारी अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसमें ये चावल जो मैंने पानी में 1/2 घंटे के लिए फुला कर रखा था डाल दूंगी।
चावल हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने शुरू में सब्जियों के लिए डाला था, चावल के लिए नहीं डाली थी। अब मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी। एक चम्मच घी। घी डालने से चावल एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं मिलाने से। पानी डालें। चावल से पानी 1 इंच ज़्यादा रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। एक सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। बहुत ही कम समय में मैंने ये बिरयानी बनाई है। आप भी बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों, मेरी वीडियो के आई बटन से आप मेरी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आसानी से देखकर अन्य पकवान को बनाएं और आनंद लें। मेरी वीडियो के एंड स्क्रीन वीडियो से आसानी से जुड़कर अन्य वीडियो देखें, वो भारतीय संस्कृति व हमारे परंपरागत पकवानों का आनंद लें। नए लोग जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब बटन प्रेस कर हमारे साथ जुड़े। और हाँ, इसके साथ में दिए गए बेल आइकन के ऊपरी आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।